हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजन एक्सी क्लासेस। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस ये 2019 मैटेरियल साइंस एक्सीसी क्वेश्चन पेपर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, विजन एक्सी क्लासेस आप लोग के लिए लेकर आया है गेट इंजीनियरिंग साइंसेज कोर्सेज। इन कोर्सेज में सारे के सारे एस्पेक्ट्स एंड मॉड्यूल्स कवर किए जाएंगे। आपको डेली ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, स्टडी मटेरियल्स अलोंग विथ वर्कशीट्स मिलेगा। You can access our premium test series in our own in-house designed exam portal. आपको previous 30 years का मेटल साइंस का पेपर्स का सॉल्यूशन मिलेगा एंड 12 years का गेट एक्सीएफ पेपर का सॉल्यूशंस मिलेगा। You can avail this 8 months complete course for only at 3999. आप कोई भी ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, यू विल हैव टू पे 40,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज द प्रिमिटिव यूनिट सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द टू डायमेंशनल लैटिस एज शोन इन द फिगर। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसका जो सही आंसर है आई विल प्रोवाइड इन द कमेंट सेक्शन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। In this question, they have asked that what will happen if we decrease the size of optical aperture in an optical microscope. So, इसका जो correct answer है वो है B. जो depth of field होता है वो increase हो जाता है. So, let's see what is the reason behind this. At first, we have to understand what is depth of field. The distance between the nearest and the farthest objects in an image that appear acceptably sharp is known as depth of field. In order to understand this, we have put a picture. इस picture में हम लोग देख पा रहे हैं जो plant है वो गुड फोकस में है एंड इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट्स मींस जो ट्रीज है वो भी अच्छे से फोकस में है, लेकिन जो आखिरी पेड़ जो सबसे अच्छे फोकस में है उससे इस प्लांट का दूरी को हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड कह रहे हैं। लेकिन इस पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत ही नैरो है, क्योंकि जो पीछे का सारे के सारे ट्रीज आर इन ब्लर। सो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत ही नैरो है, बिकॉज वी हैव ओनली फोकस दिस प्लांट। सो कैसे हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड और डेप्थ जो फोकस है इसको हम लोग चेंज करते हैं। एज मोस्ट ऑफ अस कभी ना कभी ये हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि जब कैमरामैन को हम लोग एक गुड क्वालिटी का पिक्चर डिमांड करते हैं, तब कैमरामैन अपना जो कैमरा का डायल है उसको एडजस्ट करके जो लेंस का एपर्चर है उसको छोटा करता है। एंड जब हम लोग बुके इफेक्ट और बैकग्राउंड ब्लर के लिए डिमांड करते हैं, तब कैमरामैन जो लेंस का एपर्चर है इसको इंक्रीज कर देता है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस देयर इज ए रिलेशनशिप। जो जेड है ये डेप्थ ऑफ फील्ड है, जो एन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो लैम्डा है ये वेवलेंथ है एंड एन ए इज न्यूमेरिकल एपर्चर। सो इट इज क्लियरली फिजिबल दैट the depth of field is inversely proportional to the square of the numerical aperture. So, jitna hum log numerical aperture ko badhayenge, utna hi depth of field ghatega. So, the option B should be the correct one. So, coming to the next question, which is from corrosion. Is question mein char metals hai and unka peeling bed dot ratio given hai in the form of a table. So, based on this table, we have to tell कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सीरियम। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, आइए देखते हैं। सो द पीलिंग बेड डॉट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड फॉर्म टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल कंज्यूम्ड इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बेस मेटल द ऑक्साइड लेयर शुड बी स्ट्रिक्टली एडहेर्ड टू द बेस मेटल। सो अगर पीलिंग बेड डॉट रेशियो लेस देन वन होता है तब भी ये अनप्रोडक्टिव इन नेचर होता है एंड द पीलिंग बेड डॉट रेशियो अगर ग्रेटर देन टू होता है तब भी ये अनप्रोडक्टिव इन नेचर होता है। ओनली जब पीलिंग बेड डॉट रेशियो रेंजेस फ्रॉम इन बिटवीन वन टू टू तभी ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। सो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट वन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वैकेंसी। इस क्वेश्चन में बोला है अगर सोडियम आयन सब्स्टिट्यूट हो जाए बाय ये कैल्शियम आयन इन एनएसीएल स्ट्रक्चर देन व्हाट वुड बी हैपन।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द फॉर्मेशन ऑफ एन ए प्लस वैलेंस। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो व्हेन ए कैल्शियम आयन व्हिच हैज प्लस टू चार्ज सब्स्टिट्यूट्स ए सोडियम आयन व्हिच हैज प्लस वन चार्ज, देयर इज एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ वैल्यू वन इन द क्रिस्टल। देन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो एक सोडियम आयन है वो लीव कर देगा आयोनिक क्रिस्टल। सो द ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट वन। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू टेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइम इंडिपेंडेंट फेनोमेनन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन मटेरियल रिकवर्स इज डायमेंशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। सो जब हम लोग लोडिंग करते हैं स्पेसिमेन को, दे नीड सो स्ट्रेन, बट इफ इट इज अंडर द इलास्टिक डिफॉर्मेशन देन ड्यूरिंग अनलोडिंग इट ओरिजिनली रिगेन्स इज डायमेंशन दैट वॉज बिफोर लोडिंग। सो इलास्टिक का मतलब रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन। इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो इंटर एटोमिक बॉन्ड्स होते हैं वो ओनली स्ट्रेच करते हैं, नॉट ब्रेक। सो हियर इज अ चार्ट टू शोस व्हिच ऑफ द डिफॉर्मेशंस आर रिकवरेबल और मींस टेम्पररी एंड व्हिच ऑफ द डिफॉर्मेशंस आर परमानेंट। सो इसमें ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन ही है जिसमें टाइम का कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डिफ्यूजन। इस क्वेश्चन में बोला गया है जो कॉपर है वो डिफ्यूज हो रहा है एल्यूमिनियम के अंदर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 100 आवर्स टू ऑब्टेन ए सर्टेन गेज डेप्थ। सो इन अनदर एक्सपेरिमेंट व्हिच इज कंडक्टेड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स टू अचीव द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर एट ए सर्टेन गेज डेप्थ दैट हैज बीन अचीव्ड इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। सो लेट्स कैलकुलेटेड। सो एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 100 आवर्स पर डिफ्यूजन एंड द डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज 510 to the power -14 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट का वैल्यू है वो है 610 to the power -13 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड। सो एज यू ऑल नो जो रिलेशन है वो x इज इक्वल टू रूट dt एंड अगर हम लोग रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा एंड जैसे कि दोनों कंडीशन में जो केस डेप्थ है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक से वो कॉमन है तो हम लोग d1 t1 इज इक्वल टू d2 t2 लिख सकते हैं। सो बाय सिंपली प्लगिंग द वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 500 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसका जो आंसर है वो है 8.33 आवर्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्पेसिफिकेशन ऑफ कंपोजिशन। इस क्वेश्चन में बोला है जो कार्बन है वो आयरन के अंदर 6% बाई वेट है। सो देन वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक परसेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फ्रॉम वेट परसेंट टू एटॉमिक परसेंट वी विल यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में जो वेट परसेंट ऑफ कार्बन को डिवाइड करना है एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन से एंड होल डिवाइडेड बाय द वेट परसेंट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय द एटॉमिक वेट ऑफ द कार्बन प्लस ऑफ वेट परसेंट ऑफ द आयरन डिवाइडेड बाय द एटॉमिक वेट ऑफ आयरन। सो बाय सिंपली प्लगिंग द वैल्यूज दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन we will get the value which is 23%. So in our next question we have to tell the reason why at low power gallium arsenide has an advantage over silicon when used to integrated circuits. So iska jo correct answer hai wo hai option C because it has higher electron mobility. So let's have the look on the explanation. So from the table we can see that the silicon ka electron mobility hai wo hai 1600 lekin usse 8 guna zyada gallium arsenide ki electron mobility hai. Not only this, the gallium arsenide has several other advantages such as iska jo hai high power transmission hai, high breakdown voltage hai, and it is a direct band gap semiconductor. Due to direct band gap semiconductor it can be easily absorb and emit light, lekin jo silicon hai wo indirect band gap hone ke karan is relatively poor at emitting light. So jo gallium arsenide hai hum log use karte hain LEDs mein, solar panels mein as well as integrated circuits mein. क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 250 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैलोरीमेट्री। इस क्वेश्चन में पूछा है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्सप्लेनेशन।
Glass tensor temperature is the temperature above which large scale cooperative motion of chain segments occur. So TG के ऊपर कोई भी पॉलीमर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाता है एंड TG के नीचे वो पॉलीमर ब्रिटल एंड ग्लासी स्टेट में होता है. सो क्या क्या टेक्निक्स है TG को मेजरमेंट करने के लिए? DMA, DSC, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट, TMA एज वेल एज थर्मल एक्सपेंशन मेजरमेंट. DSC एक थर्मल एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम लोग जो डिफरेंस है हीट रिक्वायर्ड का टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल एज वेल एज रेफरेंस स्पैन का हम लोग मेजर करते हैं. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू विच द जर्मेनियम विल बी ओपेक. फॉर दैट द एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम हैज बीन गिवन, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट हैज बीन गिवन एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट हैज बीन गिवन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. सो लेट्स find out the solution. So as we all know, energy is equal to ac by lambda, जिसमें h है Planck's constant, c है velocity of light, lambda is the wavelength. So by simply plugging the values into this equation and rearranging the equation into the terms of lambda, we will get this. By simply doing the calculation, we get the value of the wavelength, which is 1.85 micrometer. So coming to our next question. इस क्वेश्चन में बोला है कि एन ऑल्टरनेटिव को पॉलीमर है जिसका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है 10^5 ग्राम पर मोल एंड इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन गिवन है जो कि है 2 to 1 0. सो यहाँ पे बोला है कि इफ इट्स वन ऑफ द रिपीट यूनिट्स इन इथिलीन देन व्हिच ऑफ द अदर इज द फॉलोइंग. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. सो लेट्स हैव ए लुक ऑन द एक्सप्लेनेशन. सो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इथिलीन रिपीटिंग यूनिट इज 28 ग्राम पर मोल. Since it has been mentioned in the question that it is an alternating copolymer, so we know that the chain fractions of both the repeating unit is 0.5. We in this question we will use this equation. इस equation में जो aim है वो है alternating copolymer का repeating unit का molecular weight and FP and FX are the chain fraction of both the polymers and ME is the molecular weight of ethylene repeating unit and MX is the molecular weight of the other polymers repeating unit. So at first we have to find the value of m, which is alternating copolymers repeating unit molecular weight. For that we will divide the alternating copolymers number average molecular weight by its degree of polymerization. Then we will get the value of each repeating unit's molecular weight. So by simply plugging the values into this equation, we will get the value of the other copolymers repeating unit. So it is 62.48 gram per mole. Now from the options, we will check each and every options in which it has been showing or matching with this. So, जो polyvinyl chloride है, इसका ही only है 62.6. So, the option B should be the correct one. Our next question is from sintering. This is a match the following type question. In this question, we have to match all the following sintering processes with their appropriate products. So its right answer is option B. So let's check out the explanation. In solid state sintering, जो powder particles है उनको heating किया जाता है below the melting point to allow the diffusion. For that reason, जो powder particles का बीच का contact point होता है उसमें necking grow होता है and जो खाली जगह जिनको pores से denote किया जाता है वो reduce होता है. अगर इसी चीज को बहुत देर तक किया जाए तो जो पार्टिकल्स है वो ग्रेन बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को यूज किया जाता है मेटल लाइक आयरन एंड एलॉय प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. सो कमिंग टू द लिक्विड फेज सिंटरिंग, इसमें स्टार्टिंग का जो मटेरियल होता है उसको थोड़ा गर्म करने से ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये लिक्विड एबल होता है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए. इसके कारण से जो सरफेस है वो वेट हो जाता है एंड ये जो लिक्विड जिसके अंदर थोड़ा अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व हुआ है ये स्प्रेड हो जाता है जिसके कारण से जो पोर्स है वो एलिमिनेट हो जाता है एंड लीडिंग टू द डेंसिफिकेशन. ये सिस्टम यूज होता है टंगस्टाइन कॉपर, कॉपर टिन, कॉपर जिंक एंड सिलिकॉन नाइट्राइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड के लिए. इन स्पार्क प्लाज्मा सिंटरिंग, instead of using an external heating source, a pulse DC is allowed to pass through the dye as well as the powder particles. जिसके कारण से क्या होता है? Joule heating start होता है and due to this joule heating,
डिफ्यूजन टेक्सचर। हीटिंग की वजह से जो पाउडर का पार्टिकल्स है वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड एज वी आर अप्लाइड प्रेशर एट बोथ एंड्स दे बिकम कॉम्पैक्टेड एंड डेंसर अंडर प्रेशर। इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं फॉर नैनो मटेरियल। सो कमिंग टू द लेजर सिंटरिंग, इस प्रोसेस में हम लोग एक लेजर सोर्स को यूज करते हैं टू प्रोवाइड द थर्मल एनर्जी एंड इसमें क्या होता है सिलेक्टिवली हम लोग फ्यूज करते हैं पार्टिकल्स को। इसमें इस एक तरफ एक पिस्टन होता है जो पाउडर को ऊपर लेके जाता है एंड वो रोलर उस पाउडर को धकेल के इस चेंबर में लेके आता है एंड तभी स्कैनर से हम लोग सिलेक्टिवली थर्मल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं एंड फ्यूज करके थ्री डायमेंशनल शेप्स बनाते हैं बाय लेयर बाय लेयर स्ट्रेटेजी। सो द ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट वन। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम जोन रिफाइनिंग, इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड आउट करना है कौन सा फॉलोइंग कंडीशन है जो नॉट फेवरेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ इंप्योरिटीज इन द जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। तो लेट्स फाइंड आउट द एक्सप्लेनेशन। इन जोन रिफाइनिंग प्रोसेस एक इम्प्योर मेटल रॉड को चेंबर के अंदर रखा जाता है एंड उसके दोनों तरफ सर्कुलर मोबाइल हीटर है जो कि मूव कर सकते हैं इधर से उधर। सो जब सर्कुलर मोबाइल हीटर एक तरफ रहता है तभी उस तरफ का जो इम्प्योर मेटल है वो मेल्ट हो जाता है एंड जैसे जैसे सर्कुलर मोबाइल हीटर मूव करता जाएगा जो मोल्टेन मेटल का जोन है वो भी मूव करता जाएगा। एंड यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल काम आता है वो ये है कि जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो मोर सॉल्युबल होते हैं इन द मोल्टेन स्टेट ऑफ द मेटल देन इन द सॉलिड स्टेट। मतलब इस मोल्टेन जोन में ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटी सॉल्युबल हो पाए जाएंगे देन सॉलिड जोन में। तो जब मोल्टेन जोन मूव करता जाता है तो इसके साथ जो इम्प्योरिटीज है वो भी ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर डिजोल्व होके मूव होता जाता है। तो जब ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे बार बार तब जो सेग्रीगेट हो जाएंगे इम्प्योरिटीज एक तरफ। सो अगर सॉल्युबिलिटी का जो ये रूल है ये अगर ना होता तो ये प्रोसेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। सो फॉर दैट रीजन ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट वन। सो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन प्लीज कॉमेंट ऑन बिलो and subscribe our channel to get more content on engineering sciences. God bless you all.